Hi everyone, welcome to Traveling India once again. So we are back with another video. और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी ये हमारी ट्रिप को देखकर कि जो आप लोगों ने ट्रिप किया काइगर से, तो काइगर का वहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस रहा, हिल्स में कैसा रहा, स्नो में कैसी चली वो गाड़ी, और कितनी हमें दिक्कतें हुई और क्या क्या हमने परेशानियाँ फेस की. तो वो सब बताने के लिए आज एक बार फिर से मेरे साथ हैं चेतन ने, जिन्होंने गाड़ी ड्राइव की थी वो, और मैं साथ में था उनके. तो वही आपको अच्छी तरह से बता पाएंगे क्योंकि वही ड्राइवर थे गाड़ी में और उन्होंने ही इसको ड्राइव किया बढ़िया तरीके से. और एक आप कह सकते हैं 4x2 गाड़ी को उन्होंने इस तरीके से चलाया जैसे कि कोई 4x4 गाड़ी हो. तो मैं स्वागत करूंगा चैतन्य का, और चैतन्य आपको बताएंगे कि गाड़ी में जो है उनका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या उनको फेस करनी पड़ी दिक्कतें और क्या क्या, और कुछ क्वेश्चन भी मैं उनसे पूछूंगा. लेकिन पहले हम उनका एक बार छोटा सा फीडबैक लेते हैं कि सर आपकी ट्रिप कैसी रही, मतलब कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा, ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी का. देखिए ओवरऑल तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस इसके साथ में रहा. जैसे रेनो काइगर का तो खैर पहले हमें थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ये थी कि हो सकता है वहाँ पे अंडर पावर हो क्योंकि नॉन टर्बो है, लेकिन हम लेके गए थे कि चलो एक बार चेक करते हैं क्या होता है वहाँ पर, लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकली जाके गाड़ी. ठीक है, तो मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जो कि हमें लोगों ने पूछे हैं, कमेंट्स में भी आए हैं, कुछ लोगों ने फ़ोन करके ही मुझे पूछे हैं जिनके पास काइगर हैं, कि जो ब्लैक आइस हम बहुत सुनते हैं, मतलब कहीं भी हम पहाड़ों में जाते हैं, पिछले साल मनाली में काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए थे क्योंकि ब्लैक आइस में गाड़ियां टकराई थी. हाँ. तो वो भी हम लोगों को मिली थी ब्लैक आइस. तो ब्लैक आइस में कैसे आपने ड्राइव की, मतलब गाड़ी के टायर जो है वो ऑल टेरेन टायर नहीं है, ऑफ रोड टायर नहीं है, नॉर्मल हाईवे टायर है, और गाड़ी में कोई 4x4 का इंतजाम भी नहीं है, 4x2 नॉर्मल गाड़ी है, इंजन 1000 cc का है, कोई हैवी इंजन भी नहीं है. तो किस तरीके से आपने टैकल किया ब्लैक आइस? देखो पहले तो इसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है. हम इसके लिए लेके गए थे रोप्स कि इनकेस अगर जरूरत पड़ती है तो हम रोप्स बांध सकते थे, लेकिन हमें ऐसा कैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं. उसका रीज़न ये था कि अगर आप कभी ब्लैक आइस में ड्राइव कर रहे हो तो एक तो आप एक्सेलरेशन जो है ज़्यादा मत दो. एक्सेलरेशन ज़्यादा दोगे तो आपके जो टायर से ज़्यादा स्पिन होंगे, ज़्यादा स्पिन होने से क्या होगा, आपकी गाड़ी स्किड करेगी. ओके. तो हमने थोड़ा सा उसको जो एक्सेलरेशन को हल्का रखा. एक्सेलरेशन को हल्का रखा. हाँ. और अगर आपको ब्रेक भी प्रेस करनी है तो आप एकदम से प्रेस ना करो, बिल्कुल लाइटली प्रेस करो, जैसे आपके कार में ब्रेक है ही नहीं इस तरीके से. अब जैसे कि दिल्ली 700 फुट पे है और मनाली है वो 6000 फुट से ऊपर की ऊंचाई है, और हम लोग जहाँ गए थे वो कोठी है वो और भी ऊंचाई पे है. बिल्कुल. तो जो हिल ड्राइव का एक्सपीरियंस रहा आपका वो कैसा रहा, मतलब गाड़ी का इंजन थोड़ा हल्का है और बहुत ज़्यादा BHP भी नहीं है, 72 BHP की गाड़ी है, वेट काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी गाड़ी बहुत एकदम फ्लॉलेस तरीके से ऊपर चढ़ी है. नहीं देखो अगर हम माउंटेन्स की बात करें वहाँ पे तो ऑल्टो नंबर वन है, ऑल्टो बहुत चलती है. अब उसका 800 cc इंजन है. लेकिन सर ऑल्टो में वेट नहीं है ना? वेट नहीं है, लेकिन ये 1000 cc इंजन है और इसका रिस्पॉन्स मतलब ये मान के चलो मेरे को फील नहीं हुआ कि अंडर पावर है ये. लेकिन हाँ जैसे नॉन टर्बो है तो कहाँ पर हमें लैक किया, जैसे कि मान लो हम ओवरटेकिंग कर रहे हैं, ओवरटेकिंग करते टाइम क्या होता है कि एक रिएक्शन टाइम होता है कि एकदम से कवर करना है हमें, तो वो कवर करने में थोड़े से सेकंड हमारे कम लग रहे थे. हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम ओवरटेक ना कर पाए, तो थोड़ा सा मतलब गाड़ी के अंदर थ्रो थोड़ी सी कम है, थोड़ी कम है. हाँ. वो क्योंकि इंजन है, मतलब वो अंडरस्टूड है. अब उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को समझ जाते हो कि हाँ इंजन ऐसा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ड्राइव करी पूरी. ठीक है ठीक है. अच्छा एक तो हो गया ब्लैक आइस और एक होता है प्रॉपर स्नो. हम लोगों ने जब कोठी जो जगह है जहाँ हम ठहरे थे वहाँ से गाड़ी जब नीचे उतारी थी तो हमको ब्लैक आइस नहीं मिली थी शुरू के 3 किलोमीटर, हमको स्नो मिला था. हाँ. सॉफ्ट स्नो. वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब गाड़ी को कंट्रोल करने में? देखो इसमें भी क्या होता है, ब्लैक आइस में तो क्या होता है कि स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो आपकी फ्रेश स्नो होती है उसमें चलाना फिर भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो जाता है. अच्छा. हाँ उसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रैक मिल जाता है, आपका इजीली आप चला सकते हैं उसके अंदर, मतलब 14 स्नो ड्राइव करते हुए आप कहते हैं फ्रेश स्नो जो होती है. हाँ हाँ. उसमें ड्राइव करते हुए हमें सबसे ज़्यादा ख्याल किस चीज़ का रखना है? सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपका एक्सेलरेशन ज़्यादा ना हो और आपके जो गियर है गियर हायर गियर में रखें, क्योंकि लोअर गियर होगा, लोअर गियर लीड्स टू आपका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, आपका जो स्पिनिंग और व्हील है वो ज़्यादा होगा, तो उससे क्या होगा आपकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई में जा सकती है या फिर कहीं पर भी जाके हिट हो सकती है. ठीक है. और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि गाड़ी जब ओवरटेक आप कर रहे थे तो रिस्पॉन्स कैसा रहा? कोई जैसे मैंने अभी पहले बताया कोई थ्रो का थोड़ा प्रॉब्लम. हाँ, है बाकी ठीक है. हाँ, 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 थोड़ा सा ही. ठीक है. और स्नो में ड्राइव करते हुए गाड़ी स्लिप हो रही थी, मतलब कैसा रिस्पॉन्स था गाड़ी का? नहीं देखो स्नो को कैसा रिस्पॉन्ड कर रही थी कार? स्नो को तो देखो ऑब्वियसली बात है कि 4x2 टायर है तो थोड़ा सा तो लैग करेगा, 4x4 के कंपैरिजन में तो थोड़ा बहुत लैग करेगा. लेकिन उसमें क्या था कि हाँ हमें जैसे पार्किंग कर रहे थे, आप जैसे वीडियोज़ वगैरह भी इसमें देखेंगे हमारे, पार्किंग करते हुए क्या था कि हमें स्नो हटाने के बाद में हमें थोड़ा पुश करना पड़ रहा था,
उसमें जो व्हील्स हैं वो स्किड कर रहे थे साथ में। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि हम लोगों को जब हम स्नो ड्राइव करते हैं, फ्रेश स्नो ड्राइव या ब्लैक आइस, तो ज़्यादा मतलब कौन से गियर यूज़ करना चाहिए? फर्स्ट यूज़ करना चाहिए या हैवी गियर यूज़ करना चाहिए? नहीं, फर्स्ट तो जब आप हल्के से उठा रहे हो उसके बाद में तुरंत आप सेकंड पे आ जाओ, थर्ड पे, मतलब कि आपको इंजन को लोड देना ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। हायर गियर में जितना रखोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। ओके ओके। अच्छा एक चीज़ और सर, रात भर गाड़ी ठंड में खड़ी रही, ऑब्वियसली रात भर 7-8 घंटे स्नोफॉल हुआ और टेम्परेचर भी माइनस में था, तो इंजन स्टार्ट जो होता है मतलब डीजल गाड़ी में तो बहुत दिक्कत होती है। जब मैं सो रहा था ना, सोते सोते मेरे को ये फीलिंग आ रही थी, पता नहीं सुबह स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये थोड़ी सी फीलिंग मेरे अंदर थी। और जब सुबह आके देखा मैंने पूरी गाड़ी हमारी ढकी हुई थी बर्फ से, बिल्कुल, तो थोड़ा मेरे को और डाउट हुआ कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन उसका शायद वीडियो बना नहीं पाया मैं, लेकिन ये था कि फर्स्ट सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई थी और मेरे को विश्वास भी नहीं था कि ऐसे होने वाला है। अच्छा। आराम से स्टार्ट हुई, उसके बाद में 2-3 मिनट हमने आइडल सिचुएशन में रखा, उसके बाद में परफेक्ट थी, मतलब एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट, एक ही बार में सिंगल सेल्फ में, सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हुई। अच्छा सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर हिंदुस्तानी के दिमाग में आता है, जो भी इंडियन कंज्यूमर है, कार कंज्यूमर, कितना देती है, मतलब हाउ वाज द माइलेज ऑफ द कार इन हिल्स? अब नहीं, हम दोनों कंबाइन करेंगे। देखो इसमें हमारा क्या था, आधा हमारा था हाईवे का, आधा था हमारा हिल्स का। तो हमारा जो मेन हाईवे था उसके ऊपर अराउंड दिए इसने 20-22 के बीच में। ठीक है। और ऊपर हम जब हिल्स पे गए हैं तो हमारा वही 15-16 के आसपास, तो कंबाइन एवरेज हमारी 18-19 के आसपास हमारी आई है। 18-19 की एवरेज दी है कंबाइन एवरेज, मतलब हाईवे पे थोड़ी ज्यादा थी, हिल्स पे थोड़ी कम होगी, तो कंबिनेशन जो उसका मिला के निकला वो 18-19 बहुत अच्छी एवरेज है। और अगर हम टोटल ड्राइव देखें तो अच्छा खासा एवरेज है। बिल्कुल। ठीक है। और कितने किलोमीटर गाड़ी चली थी इस ट्रिप में? लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास। 1400 किलोमीटर टोटल, 1400 में 18-19 का एवरेज। हाँ, अब उसमें यह था कि वैसे तो दिल्ली से मनाली का जो डिस्टेंस है 550-600 के आसपास है। ठीक है। लेकिन थोड़ा मेरा पर्सनल काम भी था, उसके चक्कर में 150-200 किलोमीटर थोड़ी सी इधर उधर भी जाना पड़ा, हो गया। ठीक है ठीक है। और बाकी ऊपर भी गए थोड़ा सा कोठी की तरफ, तो वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया मनाली से। ठीक है ठीक है। अच्छा सर एक फाइनल वर्डिक्ट मैं आपसे लेना चाहूँगा, व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ काइगर, मतलब कोई काइगर लेता है वो क्यों ले, और अगर वो मतलब उसमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर सकता है वो, मैं सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि एडवांटेजेस क्या हैं काइगर लेने के। देखो एडवांटेजेस अगर आप लेमैन की सिचुएशन को भाषा में बात करो ना, एक स्विफ्ट आती है सीएनजी वाली इस प्राइस में। ठीक है। आप कॉम्पैक्ट एसयूवी ले रहे हो 6.5-6.5 लाख रुपए में बेस मॉडल अगर ले रहे हो। ठीक है। और साथ में आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो मिल रहा है, डिजायर इससे थोड़ी सी महंगी है। वहाँ पे डिजायर हमारे कुछ दिल्ली के कुछ फ्रेंड्स मिले थे जिसमें वो लेके आए कार, और हमने क्या करा कि उनकी कार जो फंस गई थी स्नो में, उनको पुश करके हमने थोड़ा करवा के पार्क करा दी। लेकिन आने के बाद में हम तो निकल के आ गए और उनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से वो फंस गए वहाँ पर। अब 2 दिन फंसे रहेंगे या 3 दिन फंसे रहेंगे कुछ नहीं पता उसका। ओहो, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा फायदा मिला, बेनिफिट लिया हमने ग्राउंड क्लियरेंस का। इवन 205 ग्राउंड क्लियरेंस के बाद में हल्का हल्का ऐसा फील हो रहा है कि ऐसे स्नो हल्के से टच हो रही है नीचे। अच्छा। हल्के हल्के से टच हो रही थी। हाँ, वो सेंटर में जो स्नो होती है दोनों तरफ ट्रैक बन जाता है और वो स्नो होती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और क्या लगेगा, मतलब अगर कोई लेने जा रहा है काइगर लिया लेने की सोच रहा है कॉम्पैक्ट एसयूवी, ग्राउंड क्लियरेंस है आपका, कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको इसमें साथ में मिल गई इसके अंदर। ठीक है। और देखो ड्रॉबैक तो खैर उसको नहीं बोलेंगे, हाँ अगर हमारे पास में अगर ऑप्शन होता टर्बो लेने का, मैं टर्बो भी ले सकता था अगर किसी को टर्बो की नीड है। ऑब्वियसली बात है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई एंथुजियास्ट है कार को चलाने के लिए, उसको चाहिए थ्रिल, उसको चाहिए स्पीड, फिर तो गो फॉर टर्बो। अगर आपको नॉर्मल चलानी है, सिटी ड्राइव करनी है, कभी कभी आप बाहर निकल गए, नॉन टर्बो बेस्ट है, नॉन टर्बो बेस्ट। हाँ हाँ। और नुकसान क्या है, मतलब काइगर आदमी क्यों ना ले? मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा आदमी है, वो भी सोच रहा था। हाँ, कि एक्सपेक्टेशन ऐसे इतना बड़ा नुकसान को मेरे सामने अभी तक आया नहीं है। हाँ, मतलब 6.5-6 लाख में आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी, एंड दैट टू विद द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 205 mm, बिल्कुल बिल्कुल, एंड विद गुड एवरेज इन हिल्स, और क्या चाहिए भाई। कुछ प्रॉब्लम थी वो तो उसके पहले वीडियोस बनाए थे जैसे मड इशू वगैरह, वो तो कोई भी अगर आप कार लेते हो ना उसके साथ में कोई ना कोई तो प्रोज एंड कॉन्स चलेंगे चलेंगे, लेकिन कोई ऐसा मेजर इसका वो नहीं है, ड्रॉबैक नहीं मेरे को नजर आया जिसके ऊपर मैं आपको बता सकूं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मेजर नहीं है, थोड़े बहुत तो हर किसी कार के साथ चलते हैं। अच्छा एक मेरा ये मेरा क्वेश्चन है पर्सनल, कि आपने जब से गाड़ी ली है ग्रैनो काइगर, ठीक है,
उस वक्त जो इसकी ड्राइव वो थी रिस्पॉन्स, उसमें और अब में क्या डिफरेंस आ गया है? आपने दो तीन ट्रिप कर लिए हैं इससे, देखो इस वाले गाड़ी कुछ खुली है, मतलब गाड़ी का रिस्पॉन्स कुछ बढ़ा है, खुलना इन द सेंस देसी भाषा में बोलते हैं कि गाड़ी का रिस्पॉन्स कुछ इंक्रीज हुआ है। जो मनाली वाला ट्रिप था ना, उससे पहले हम गए थे वैष्णो देवी ट्रिप पर, ठीक है। अब जाते हुए तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि इसका पिकअप उतना नहीं आ पा रहा, खुल के नहीं चल रही, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ था। और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर शायद एक वीडियो बनाना चाहिए कि मेरे को मजा नहीं आया, ठीक है। लेकिन जब मैं वापसी आ रहा था तो गाड़ी खुल चुकी थी, तो मेरे को चलाने में मजा आया। और अब जब मनाली गए हैं तो और ज़्यादा खुल गई है, मतलब पिकअप भी खुल चुका है इसका, रिस्पॉन्स जो आपका एक्सेलरेशन और टायर का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। व्यूअर्स जितने भी हैं और जो रेनो की अगर ले चुके हैं या लेना चाहते हैं, उन सबके मन में ये सब आ रहे हैं सवाल, क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट एसयूवी, अब एसयूवी वर्ड आ गया ना, तो एसयूवी जो ले रहा है वो ज़रूर सोचता है कि मैं हिल्स में जाऊँ, स्नो ड्राइव करूँ, बट वो डरता है, बिल्कुल बिल्कुल वो डरता है कि गाड़ी 1000 cc की फंस जाएगी। लेकिन आपने जो किया है इस गाड़ी से, उससे बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है और उनको बहुत ज़्यादा ये आत्मविश्वास आ गया है कि हाँ, रेनो किगर भी बहुत कुछ कर सकती है जो बाकी की एसयूवीज कर रही है। रेनो किगर के साथ में ड्राइवर के ऊपर कुछ डिपेंड करता है कि आपको कैसे ड्राइव करनी है, वो थोड़ा सा आपको पहले, हाँ, ड्राइविंग स्किल्स तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, वो तो आप 4x4 भी लेके जाओगे उसमें भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमने बता दिया कि हाँ रेनो किगर तो कोई भी लेके वहाँ पे चला जाए, तो आपको पहले थोड़ा सा स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगे और क्या क्या आपने प्रिकॉशन रखनी है वो तो मैंने आपको पहले बताई दी है, उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये भैया एक हमारे इस वीडियो का डिस्क्लेमर है कि आप अंधा विश्वास ना करें रेनो किगर पर, आपकी ड्राइविंग स्किल्स भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि हिल ड्राइव में आपको अटेंटिव रहना बहुत ज़रूरी है और वो अटेंशन ही आपको बचाती है हिल्स में। तो ये हमारे साथ थे चैतन्य भारद्वाज, जिन्होंने हमें बताया रेनो किगर के बारे में और उसका रिस्पांस जो है हिल्स पे और स्नो पे कैसा रहा और कैसी वो गाड़ी चली। लुक्स में तो ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 205 mm है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे में ये लुक की गाड़ी आपको मिलेगी। और आज तक जो ये इसके बारे में धारणा थी कि इस गाड़ी में जान नहीं है कि मतलब 1000 cc का इंजन है, परफॉर्मेंस वैसी अच्छी नहीं होगी, वो भी ये ट्रिप के बाद दूर हो गई है, क्योंकि इस गाड़ी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, वो चाहे हिल्स हो या स्नो। तो मैं अलविदा लेना चाहूँगा, मैं शिवा दीक्षित आपसे अलविदा लेता हूँ ट्रैवलिंग इंडिया से, और एक बार फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और देखते हैं अगला वीडियो किसका होगा। आप लोग वेट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू।